Hey guys, welcome or welcome back to my channel Saya. Hope you all are doing great. So guys, आज हम आए हैं हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो आज हम आए हैं मूवी देखने. ये देखो गाइज, हमने पूरा थिएटर बुक किया है पति देव के. सो गाइज, मैं अपने गांव आई हुई थी तो आज हस्बैंड मुझे लेने आए हैं. और मेरे हस्बैंड का था बर्थडे एक दिन बाद, तो मेरे पास केक वगैरह नहीं था. और जाके हमने, मेरे कज़न ब्रदर हैं वो केक वगैरह बनाते हैं, तो रात को 11:30 बजे उनके पास गई. मैं उनसे बोला प्लीज़ केक बना दो, चाहे छोटू सा ही बना दो. तो उन्होंने जल्दी में एक नॉर्मल सा केक बना दिया और केक बनकर रेडी हो गया. तो हम 12 बजे से पहले केक लेके आ गए और मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड थे, सोए भी नहीं थे. जब तक पापा का केक कट नहीं होगा तब तक नहीं सोएंगे. तो यहाँ पे देखो केक की क्या हालत हो गई है. बच्चे केक कट करने नहीं देते हैं, खुद ही करने लगते हैं. और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं केक कटिंग टाइम को. इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब केक कट होता है. सो गाइज, मॉर्निंग में खुशी भी थी और दुख भी था. खुशी इसलिए थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, और दुख इसलिए था कि अब पेरेंट्स से दूर जा रही हूँ. मेरे पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स को यही रहेंगे, मैं ही जा रही हूँ. सो गाइज, ये है मेरी छोटी दादी जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, जो चल फिर नहीं पाती हैं. तो मिलने के लिए इनसे भी आए हम क्योंकि मैं जा रही हूँ. तो इनसे भी मिले और मेरे बच्चे भी मिले और फिर हम चल दिए. चलो ठीक है, फिफ्टी फिफ्टी दाना से. ये तो 20 ही है दादू. चुप रहो. अरे या कुछ चाहिए तो भी दे दूंगी. ठीक है, ज्यादा सुंदर लग रही है. सो गाइज, अपने घर से जाना मीन्स अपने मायके से आना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये पल बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला होता है. अपने पेरेंट्स को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट फिर भी उन्हें छोड़ के जाना तो है ही. बहुत ज़्यादा रोना भी आता है. तो यहाँ पे सबसे मैं मिली और जल्दी मैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए. बोल दे नानी, टेंशन मत लेना शेरू की. ये छुट्टियों में आएंगे अब. ठीक है, सो गाइज, हम पहुंच गए अपने ससुराल में. और फिर मैंने और वीडियो नहीं बनाई थी घर पहुंच के, तो डायरेक्ट मैं शाम को जो हम डिनर करने के लिए गए हस्बैंड के बर्थडे पे, तो वही सूट किया है. और उससे पहले का कुछ भी सूट नहीं कर पाए क्योंकि सफ़र से थोड़ा थक गई थी. तो बच्चों ने भी रेस्ट किया और फिर हम आ गए ओम स्वीट्स डिनर करने के लिए. और गाइज, मैंने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज मैसेज केक बनवाया है. पता नहीं हस्बैंड को कैसा लगेगा. ये मेरी बहुत अच्छी लगती है, ये प्याज और चटनी. अरे मैं प्याज से मैचिंग हो गई मेरी शर्ट कलर.
सो गाइस यहाँ पे जो सब भी आपको दिख रहा है ये सब बच्चों की डिमांड पे आया है, बच्चों की पसंद का है ये सब। वैसे तो कुछ करते ना जल्दी रख दो भैया पर इनके वास्ते एक मिनट लगा नहीं नहीं सो गाइज इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, आ गया है हस्बैंड का केक। तो यहाँ पे ये है सरप्राइज मैसेज केक, इस पे डियर हबी लिखा हुआ है और ये केक जितना देखने में यम्मी है गाइज मैं आपको बता नहीं सकती, उतना खाने में भी बहुत ही यम्मी केक था। और आप ये देख सकते हो इसके अंदर जो सरप्राइज है, मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसका केक की फुल वीडियो देख सकते हो ये केक कैसा है। सो गाइज ये था हबीज बर्थडे व्लॉग, तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का व्लॉग। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।